डेढ़ इंच ऊपर शीर्षक नाटक का मंचन अमरनाथ विद्या आश्रम के सभागार में हुआ, जहां पर मथुरा के लाल और प्रसिद्ध कलाकार सौरभ बंसल के द्वारा अभिनय किया गया। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखे गए नाटक की कहानी प्रेम और टूटे विश्वास पर आधारित है, जिसको सौरभ बंसल के द्वारा डायरेक्ट करते हुए इसमें अभिनय किया गया। शहर के स्थानीय कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर थिएटर जगत से जुड़े लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कलाकार सौरभ बंसल के द्वारा अपने उत्कृष्ट अभिनय की छाप छोड़ते हुए उपस्थित दर्शकों को अपने अभिनय के चलते तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। करीब 45 मिनट के इस नाटक में मंच पर सौरभ बंसल छाए रहे। अब यकीन नहीं करेंगे, कभी कभी तो मैं उन्हें उठाकर उनके घर छोड़ने जाता हूँ। हेलो, मैं आपको बाहर छोड़ के आया। लोग लोग हैं भाई, सब लोग, सब तरह के लोग। अब आपको दूसरी जिंदगी मांगते हैं? दूसरी जिंदगी मतलब मरने के बाद? मुझे लगता है कि आदमी मरने के बाद भी ना मरता नहीं है, वो पहले एक जन्म लेता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर तीसरा जन्म लेता है, ऐसे ही घूमता रहता है। मैं रात को इस बारे में सोचा करता हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आता और यहाँ चला। आपको पता है कि नींद आने के लिए इस आयोजन को लेकर थिएटर जगत के वरिष्ठ कलाकार ने न्यू न्यूज को जानकारी दी। देखिए, कदम तो हमेशा बढ़ते रहते हैं। थिएटर है, रंगमंच है, इससे हम जुड़े हुए हैं और हमेशा ये चीज़ हम करते रहेंगे, चाहे हम फिल्म, सिनेमा, वेब सीरीज कितनी भी करते रहें, लेकिन जो हमारा आधार है रंगमंच, उसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। चाहे हम मुंबई रहें तो मुंबई में भी हम रंगमंच करते रहें, मथुरा आते हैं तो भी रंगमंच करते रहते हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम है ये? हमारा निर्मल वर्मा जी की कहानी है डेढ़ इंच ऊपर, उसका एक मंचन है। इसकी सोलो प्ले है, जिसमें एक आदमी की पत्नी जो है किन्हीं कारणवश लापता हो जाती है, तो वो उसकी तलाश में अपनी कहानी सुना रहा है। ये कहानी आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। थीम क्या रखी गई है? थीम है इमोशनल है, ट्रेजडी प्ले है ये थोड़ा सा। और ये प्ले जो है हम मथुरा में वाइट फ्रेम थिएटर के बैनर तले कर रहे हैं, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। उनका बड़ा सहयोग मिला, वाइट फ्रेम थिएटर वालों का बहुत सहयोग मिला, मथुरा के सलाल को, तो अनिल वाजपेयी सर का बहुत बहुत सहयोग मिला हमको, जिनके ही द्वारा हम ये नाटक कर पा रहे हैं। मथुरा की जनता को मैसेज बस यही देना चाहते हैं कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा, और जो मथुरा की प्रतिभाएं हैं उनको बस जैसे भी वो आगे पहुंचना चाहते हैं उनका सहयोग करते रहिए। और हम न्यूज़ के माध्यम से भी, न्यू न्यूज़ को भी ये बोलना चाहते हैं कि जो मथुरा की प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे कैसे लाया जाए, इस बारे में भी न्यू न्यूज़ कुछ सोचे। जैसे कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैं मथुरा हूँ और बहुत सारे, है ना, मैं गायकी वाले से जो किए थे, अब गाएगा मथुरा करके, बहुत सारे ये करते रहते, ये करते रहना चाहिए। उसमें सौरभ का क्या सहयोग मिलेगा? सौरभ का जो सहयोग चाहिए, वो सौरभ हमेशा तन मन धन से तैयार है मथुरा के लिए, बस आपका एक आदेश चाहिए, मथुरा तुरंत सौरभ यहाँ मौजूद होगा मुंबई से। वही कलाकार सौरभ बंसल ने इस नाटक के थीम और उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। नहीं, मथुरा की तो, मथुरा और ब्रज की तो बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही
महान परंपरा है गीत की, संगीत की, रासलीला की जी। और ये तो एक तरह कहना चाहिए बहुत पवित्र भूमि है, तो उस तरह से प्रतिभाओं का होना तो यहाँ स्वाभाविक ही है जी। और यहाँ का जो लोक नाटक है रासलीला और नौटंकी, भगत, ये सब तो यहाँ की एक ट्रेडिशन है। और ब्रज का जो पूरा कल्चर है उसको तो देश भर में सब जानते हैं, तो उस तरह से तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आधुनिक रंगमंच जब हो तब जिस तरह से भी हो, पर एक पारंपरिक रंगमंच, लोक रंगमंच, लोक संस्कृति तो हर जगह दिखाई देती है। मथुरा योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, 16 कलावतारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण जो हर कला में पारंगत, उनकी जन्मस्थली और लीला स्थली में लोग, जैसा कि आपने खुद ने बताया कि यहाँ पर कलाओं की और प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टीस मन में रह जाती है, उन प्रतिभाओं को विशेष जो मंच उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसको कितना सही मानते हैं? एक्चुअल यहाँ की जो स्थिति ये है कि यहाँ पर ना उस तरह का मंच की जरूरत ही नहीं है, तो अपार संपदा है यहाँ पर, तो सबका अपना अपना रंग है, सबकी अपनी अपनी एक तरह की एक खोज और प्रतिभा है, ऐसे में मैं ये समझता हूँ उसकी उसकी मांग करना जो है ना वो इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तो सब कलाकार हैं। सौरभ बंसल को लेके क्या कहेंगे? सौरभ बंसल तो यहाँ का अच्छा कलाकार है और बम्बई में काम कर रहा है, अभी तक बम्बई में काफ़ी सक्रिय है जी। और अच्छी बात है, वो दोबारा से कुछ नाटक यहाँ प्लान कर रहा है और अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा स्वभाव भी है उसका। रंगमंच एक बहुत बेहतरीन मंच माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी अब कुछ लोगों का इसके प्रति से रुझान कुछ कम हो रहा है, ये सही बात है क्या? इसलिए कि रंगमंच जो है ना एक तरह से एक ओरिजिनल चीज़ है, जिसमें मौलिक प्रतिभा है, जिसमें मंच पर काम करने का साहस है, जिसमें ट्रुथफुलनेस है, वही कर पाता है। सबसे उम्मीद करना और सबसे सोचना कि वो मंच के लिए काम करेंगे मुश्किल है, और फिर जब हम प्रतिभा होती है तो हम सोचते हैं और आगे जाएं, अपने आप को और किसी बड़े मंच पर, किसी बड़े माध्यम से जोड़ें, तो नेचुरल है। जो भी यहाँ से, जैसे अनिल शर्मा जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो मथुरा से हैं, उन्होंने गदर 2 बना दी, क्या सोच के बना दी, गदर 1 बनाई फिर गदर 2 बना दी, तीसरे की तैयारी है ना, तो वो उन पर तो श्री कृष्ण की कृपा हुई, फिल्म तो जैसी थी जो है वो है ब्लॉकबस्टर बनी, और एक उनकी अपनी एक जो कुछ भी एक परिश्रम है उसकी वजह से वो, तो जब अनिल शर्मा जैसे निर्देशक यहाँ से निकल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, इतना उन बड़ी फिल्म सफल हुई तो उनका बहुत बड़ा उसमें वो है। मथुरा के लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? यही है कि मथुरा के लोगों के तो मतलब ना उनकी अपनी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, मौलिक चीज़ें जो हैं, जो इतिहास है मथुरा का, वृंदावन का, उस पर उसमें विश्वास रखें, जो रीति रिवाज हैं, जो त्यौहार हैं, जो संस्कृति है, जो भाषा है ब्रजभाषा, जो हमारी ब्रजभाषा है, उसको उसके महत्व को समझें, और फिर अभ्यास की तो ज़रूरत होती है, जिसमें प्रतिभा है उसको अभ्यास भी चाहिए, जिसमें जिसमें गुण हैं उसको मतलब प्रशिक्षण भी चाहिए। वो प्रशिक्षण कैसे मिल पाए? प्रशिक्षण तो यही कि यहाँ की जो नाटक मंडलियाँ हैं यहाँ जुड़ें, और जो अभी जो इधर बहुत तेज़ी से हुआ है काम, तो अभी जो मंच बनाए गए हैं और जो रासलीला के मंच बने हैं और जो और पारंपरिक लीलाओं के मंच बने हैं उसमें संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक सपना देखा और एक प्रयास किया कि फिल्म को मथुरा और ब्रज में उत्तर प्रदेश में लेके आने का, तो इस प्रयास को काम हो रहा है, इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और संभावनाएँ बहुत हैं और प्रतिभाएं भी बहुत हैं। असल मैंने उत्तर प्रदेश की जो कल्चरल एक्सप्रेशन है ना वो बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंट है उसके अंदर, सबसे बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, 5-6 महीने और बस। 5-6 महीने में देखिए अयोध्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबकी नज़र अयोध्या पर है और राम पर है, राम की कृपा पर है, राम के चरित्र पर है। इधर अब दोबारा इधर मथुरा में भी कॉरिडोर बनने की प्लानिंग चल रही है, तो मथुरा और वृंदावन, मथुरा और अयोध्या दोनों जगहों पर जो है और काशी, ये तीनों जो हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहे हैं और तेज़ी से उभरेंगे। और उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं, गीत है, संगीत है, अभिनय है,
और एक फेस्टिवल का कल्चर है,